2019 के लोकसभा चुनावों में मतदान कुछ ही दिनों बाद होने हैं। ऐसे में क्या देश की जनता दोबारा 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी या फिर इस बार जनता नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी को मौका देगी? 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर देश की जनता का मूड क्या है, इसको जानने के लिए हम पहुंचे यूपी के मेरठ में, जहां हमारे संवाददाता अरुण कुमार ने जानी जनता से उनकी राय। आप भी देखिए जनता क्या सोचती है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ के हवाई पट्टी पर। अभी चुनावी माहौल इतना गर्म है कि आप देख सकते हैं जनता की राय लेना चाहते हैं। क्या जनता की राय है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, बताइए आप पार्टी कौन सी लाना चाहते हैं, क्या है वहाँ? हम जो है जी पार्टी मोदी को लाना चाहते हैं, जो कि हमारे देश के अंदर अपने देश के भविष्य के बारे में काम करे, ना कि कांग्रेस, ना कि कोई, चाहे वो कोई भी पार्टी है, अगर देश के बारे में, हित के बारे में काम करेगा, हम उस आदमी को चाहते हैं। और इस समय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसको ही हम सपोर्ट करेंगे हर तरह से, चाहे वे हमारे को भुक्का मारे या छिका मारे, लेकिन हम सपोर्ट जो करेंगे नरेंद्र मोदी को करेंगे। आप? हमारी भी यही राय है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि देखिए, व्यक्तिगत कामों को लेकर ना देख के जनहित में अगर देखा जाए तो देश के लिए ऐसा दूसरा मुख्यमंत्री हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री, क्योंकि मोदी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, गरीबों की समस्याओं को तो देख ही रहे हैं, लेकिन देश हित में काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि देश हित के लिए मोदी जी दोबारा आए और बार बार आए, हम सब उन्हीं के साथ हैं। हम तो जी मोदी जी के साथ और मोदी जी को ही बनाना चाहते हैं पीएम दोबारे से, और हम तो पप्पू जी को बिल्कुल नहीं लाना चाहते। आपने ऐसा बीजेपी सरकार में क्या देखा है जो कि आप मोदी जी बोल रहे हैं, कुछ ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है हमारे देश के लिए, हमारे देश को बहुत मजबूत बनाया है, और वो देश को बहुत ही ताकतवर और मजबूत बना रहे हैं, लेकिन हर इंसान इस बात को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हर इंसान कहता है मोदी जी ने हमें खाली कर दिया है, मोदी जी ने हमें ये, लेकिन मोदी लोग चाहते हैं कि क्या मोदी जी रोटी उनके मुंह में दे, लेकिन ऐसा नहीं होने का। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने देश के लिए, और मोदी जी हम चाहते हैं आगे भी मोदी जी आए, मोदी जी योगी जी, हम तो इन्हीं की सरकार चाहते हैं। आपकी क्या राय है, कौन सी पार्टी लाना चाहते हो? हमारी राय है बीजेपी, और विशेषकर मोदी। और मोदी जैसे हैं दो ही पार्टियों में जो कि बसपा और बीजेपी में ही संघर्ष रहेगा, लोगों को देखते हुए उनका उत्साह बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अपने कैमरामैन संदीप के साथ अरुण कुमार मेरठ से। हम इस वक्त मौजूद है मेरठ शहर के गगोल गाँव में। चुनावी माहौल इतना गरमाया हुआ है कि आप जनता की राय लेना चाहते हैं कि चुनावी माहौल में जनता किसको लाना चाहेगी? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देश में अभी चुनाव के बिल्कुल लास्ट एंड पर आ चुके हैं, और यूपी में 7 चरण होगा, और पब्लिक को खुद तय करेगी, और पब्लिक जानती है कि 5 सालों में देश कितना पीछे गया है, और इंडियन न्यूज़ नंबर टाइम्स की रिपोर्ट है कि इन 5 सालों में पहले देश 55 नंबर पर था और अब 103 नंबर पर है। वो पहले उसने डिटेल दे दिया है हमारा देश, बाकी वो कुछ काम किए हैं मोदी सरकार ने, परंतु पब्लिक खुद तय करेगी कि हमें किसको लाना है। और गठबंधन, मैं सोचता हूँ गठबंधन जो ये है, जो OBC या SC का है, ये सब मिल करके और विपक्षी गवर्नमेंट बनेगी। सर हम BJP सरकार चाहते हैं, और ये ही अच्छे काम कर रही है, और केंद्र में यही आनी चाहिए। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है जो आप बीजेपी को हिलाना चाहते हैं? बीजेपी ने एक तो नोटबंदी का भी अच्छा काम किया था, और विकास भी काफ़ी करे हैं, रोड भी अच्छे अच्छे निकाल दिए गए हैं, हाईवे। मोदी की तो बहुत अच्छी प्रशंसा है, मोदी ने तो इतने काम किए हैं कि जो कि आज तक भी किसी ने 60 साल में भी नहीं किए। बाबा मोदी की जाएंगे यानी बीजेपी। कैमरामैन संदीप के साथ अरुण कुमार मेरठ से। हम मौजूद हैं मेरठ शहर के नूर नगर में। चुनावी माहौल इतना गरमाया हुआ है कि आप देख सकते हैं जनता की राय इसमें क्या है, किस सरकार को लाना चाहती है जनता। ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें आप किसको वोट देना चाहेंगे, किसकी पार्टी लाना चाहेंगे? हम भाजपा को वोट देना चाहेंगे, क्योंकि जो 60 सालों में नहीं हुआ है वो अब हो रहा है, वो जनता के सामने है,
और जनता इस चीज़ का खुद डिसीजन लेगी कि किसकी सरकार लाना चाहते हैं। विकल्प भी तो नहीं है कोई और दूसरा। सर इसमें आपकी क्या राय है? मतलब ये मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये गठबंधन है, इसमें किसी का प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है, इसलिए मोदी ने अच्छा काम करा, मोदी आना चाहिए। क्या क्या काम किया है मोदी ने? मोदी ने बहुत काम किए हैं। क्या नहीं किया? मकान दे रहा है, वो दे रहा है, सिर्फ गैस सिलेंडर दिए हैं, क्या नहीं दिया सब कुछ दे रहा, और आरोग्य योजना में दे रहा है 5 लाख रुपये दे रहा है, ये कम है? सारी सड़कों का जाल बिछा दिया, कितनी योजना की ना। सर मैं SP और BSP को सपोर्ट करता हूँ, और भाजपा सरकार में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, एजुकेशन में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी ने सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन 900,000 रुपये का सिलेंडर कौन भरवाएगा? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? तो इसमें और क्या क्या वजह है जो आप मोदी के खिलाफ हैं? मोदी के खिलाफ सर बिजली है, देखो बिजली पहले भी सपा सरकार में आती थी यूपी में, ठीक है, मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे पहले भी ऑलरेडी 16-18 घंटा आती थी, आज भी वही माहौल है, लेकिन उस टाइम 150 रुपये बिल आता था, आज 800-900 रुपये बिल आ रहा है, तो भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपने जनता की राय देखी, आपने देखा कि किस तरह जनता का मूड बता रहा है कि सरकार में अभी कुछ नहीं कहा जा सकते कि कौन सी सरकार आएगी। बहन जी की सरकार आ गई है, बहन जी के हम आदमी हैं, बहन जी को वोट देंगे, बहन जी को बोलो हम हमारी सपोर्ट है बहन जी के पीछे। कैमरामैन संदीप के साथ अरुण कुमार मेरठ से। स्टार्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं शताब्दी नगर 4C में। इस वक्त चुनाव इतना गरमाया हुआ चुनाव का माहौल कि जनता की राय देखते हैं क्या है, कौन सी पार्टी लाना चाहती है जनता। लेते हैं जी। आपका नाम? सुधा। आप कौन सी पार्टी लाना चाहती हैं, किस पार्टी को लाना चाहती हैं, किसने काम कराया, क्या है सब कुछ? हमें तो बस मोदी चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें पूरे देश का विकास चाहिए, इसलिए हमें मोदी जी ही चाहिए, इसलिए हमें BJP पार्टी ही चाहिए, हमारा समर्थन BJP को ही रहेगा। हमें मोदी चाहिए, मोदी जी को ही देंगे। ऐसा क्यों जो आप सब मोदी के पक्ष में ही बहुत बात कर रहे हैं, ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? भाई उन्होंने काम किया है, सेना को मजबूत बनाया, सरकार को मजबूत बनाया, देश को मजबूत बनाया, आने वाले बच्चों के लिए भी काम हो रहे हैं, इसलिए हम मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को। हमारे इनसे पूछ लो। संदीप कुमार कैमरामैन के साथ, अरुण कुमार मेरठ से।